हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छी होंगे। तो अभी हम थोड़ा टायर एक फटा हुआ था, वो टायर ले रहा हूँ मैं। टायर लेने के बाद टायर चढ़वाऊँगा, तो उसके बाद गाड़ी लोड करनी है आज, क्योंकि गाड़ी की पर्ची आ चुकी है। तो अभी टायर खोल रहा है भाई, तो उसके बाद देखते हैं लोड करेंगे गाड़ी। बाकी हम आपको आगे लोडिंग का भी बताएँगे, तो देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो हम आपको आगे भी बताते हैं। तो अभी भाई साहब हमारी गाड़ी हो रही है लोड, तो अभी लोड कर रहे हैं, उसके बाद लोड करेंगे, कांटा कुंटा करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं कांटे पे जब पहुंचेंगे कि चलान चलून देखेंगे हम अपने कि कहाँ की है कहाँ की नहीं, तो उसके बाद हम वो भी बताएंगे आपको। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो गाइस, अभी हमारी गाड़ी आधी लोड हो चुकी है, तो बाकी कोई 3-4 धाके काम हैं, वो अभी हम लोड कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे चलान देखने के बाद कि कहाँ का क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, अभी हमारी गाड़ी हो गई है लोड पूरी, कम से कम भी कोई 5-7 तोड़े रहते हैं सर। तो अभी ये सरप्राइज़ हम देंगे आपको कांटे पर पहुँचने के बाद कि कहाँ की लोड हुई है और कहाँ की नहीं। तो बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको मिल का व्यू बताते हैं। सही बात है, यही गलिया है, आसीरा बताइए है आसीरा मार्ग का। तो सो गाइस, अब हमारी गाड़ी हो चुकी है तैयार। तो बिल्टियाँ अभी तक तो मैंने देखी नहीं, अभी मैं देखता हूँ तो आपको भी बताता हूँ रिव्यू इसका कि कहाँ की लोड हुई है। तो ये हमारी गाड़ी नंबर है। अभी इस टाइम बहुत गर्मी है, बहुत बुरी हालात है, मैं क्या कहूँ आपको, कुछ नहीं कह सकता। इस टाइम इतनी बुरी कंडीशन आना कि मत पूछो आप। तो अभी मैं बिल्टियाँ देखता हूँ। ये भाई अभी हमारी गाड़ी लोड हो गई है उत्तराखंड देहरादून में। ये अभी हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है देहरादून के लिए। अगर आपको दिख रहा हो तो आप साफ साफ देख सकते हैं URBCO सप्लाई डिपो देहरादून उत्तराखंड। तो बाकी हम आपको आगे भी बताएंगे। तो हमारी गाड़ी हो चुकी है अभी पैक, तो बस से आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे। तो नहीं, ये ब्लॉग अब हम ख़त्म करेंगे यहीं पे। तो आगे नेक्स्ट ब्लॉग, इधर से आगे जाने का नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, आगे नेक्स्ट ब्लॉग तक देखिए आप। तो चल फिर, सो गाइस, दीजिए इजाज़त आप।